आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल के हाई कोर्ट शिमला में होने वाली रिक्रूटमेंट की। और आज की हमारी यह वीडियो है आपके लिए एक रिमाइंडर वीडियो, क्योंकि इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023, मतलब कि अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत नजदीक है। आपने अगर अभी तक इसके लिए अपना अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहां पर सारी सारी पोस्ट रेगुलर फिलअप होने वाली है। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टोटल 40 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी क्लर्क या प्रूफ रीडर्स की, क्लास 3 की पोस्ट रहेगी। 15 पद भरे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 3 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है, एसटी के लिए 3 पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहां पर 2 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इस पोस्ट के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। पे स्केल लेवल 3 आपको दिया जाएगा, जो कि होता है 20,200 रुपये से लेकर 64,001 रुपये, मतलब कि रेगुलर जॉब है और आपके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा हमारी एंड्रॉयड ऐप गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप में आपको मिल जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का पूरा स्टडी मटेरियल। आपको एक कोर्स मिलेगा एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के नाम से, उसमें आपको स्टडी मटेरियल तो मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो जल्दी कीजिए, लिंक हमारी ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की। सेकेंड पोस्ट रहेगी स्टेनोग्राफर क्लास 3, इसके 5 पद भरे जाने वाले हैं और ये 5 ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए एज अ स्टेनोटाइपिस्ट या जजमेंट राइटर या स्टेनोग्राफर इन एनी गवर्नमेंट ऑफिसेज या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप ये होने चाहिए। पे स्केल लेवल 11 दिया जाएगा आपको, जो कि होता है 38,500 रुपये से लेकर 1,22,701 रुपये। अगली पोस्ट रहेगी ट्रांसलेटर क्लास 3 की, इसके 2 पद भरे जाने वाले हैं, दोनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपकी 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन इंग्लिश में और आपका हिंदी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में। पे स्केल लेवल आपका यहाँ पर भी 11 रहने वाला है। आप पटवारी और पंचायत सचिव, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी बाय कर सकते हैं हमारी उस ऐप से। अगली पोस्ट रहेगी ट्रांसलेटर उर्दू क्लास 3, इसका भी एक पद रहेगा और यह भी अनरिजर्व रहने वाला है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बट यहाँ पर कहा गया है कि आपका 10th में उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पे स्केल आपको यहाँ पर भी 11 दिया जाएगा। अगली पोस्ट रहेगी ट्रांसलेटर पंजाबी क्लास 3, इसका भी एक पद भरा जाएगा, यह भी अनरिजर्व रहेगा, क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगी, बट 10th में आपका पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पे स्केल आपको यहाँ पर भी 11 ही दिया जाने वाला है। असिस्टेंट प्रोग्रामर क्लास 3 की एक पोस्ट फिलअप होने वाली है और ये पोस्ट एससी के लिए रिजर्व रहेगी। इसके लिए आप या तो बीई होने चाहिए या आपने बीटेक किया हुआ होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है और आप वो सिंपल ग्रेजुएट लाइक एस बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और इसके बाद आपने किया है पीजीडीसीए और फिर है आपके पास इसी फील्ड का 2 साल का अनुभव, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है और आप वो सिर्फ 10वीं पास, फिर आपने किया है 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस का और फिर आपने 4 साल का अनुभव लिया है इसी फील्ड में, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल लेवल आपको यहाँ पर भी 11 दिया जाने वाला है। अगली पोस्ट यहां पर रहने वाली है ड्राइवर की, इसके 6 पद भरे जाने वाले हैं, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है और साथ में कम से कम 3 साल का आपके पास ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और यहाँ पर हैवी का भी कहा गया है, मतलब कि आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस 3 साल पहले बना है तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर लेवल 5 दिया जाएगा, जो कि होता है 21,300 रुपये से लेकर 67,800 रुपये। सफाई कर्मचारी क्लास 4 के 4 पद भरे जाएंगे,
चार पद में से एक पद रहेगा अनरिजर्व के लिए, एक रहेगा एसटी के लिए, एक रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए और एक रहेगा दिव्यांग के लिए। इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। माली क्लास 4 के 5 पद भरे जाने वाले हैं। अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 1 पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके लिए भी आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आपने गार्डनिंग का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और कम से कम 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। माली और सफाई कर्मचारी के लिए पे स्केल रहेगा आपका लेवल 1 जो कि होता है 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये। इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 45 वर्ष रहेगी, बट असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आपकी एज 22 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व के लिए 340 रुपीज़ प्लस GST, रिजर्व्ड के लिए 190 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पर रहने वाली है। लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2023। आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिले और आप टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल वहाँ से परचेज कर सकें।